हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं जो शायद आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकती है। तो गूगल शीट्स यानी कि जो काफी ज्यादा यूज होता है एक्सेल की तरह, वहां पे हम लोग किस तरीके से क्यूआर कोड्स बना सकते हैं वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो गूगल शीट्स के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। उन्हीं फंक्शंस में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इमेज फंक्शन। तो उस इमेज फंक्शन के थ्रू ही हम लोग कुछ चीजें देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड सम न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि हम लोग गूगल के डेवलपर वाले एक वेब पेज से समझने की कोशिश करेंगे, और उससे जो भी सारा सिंटैक्सेस है उसको उठा के हम लोग एक क्यूआर कोड बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस क्यूआर कोड के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज प्रेजेंट कर रहे हो गूगल शीट्स के थ्रू और कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, एंड अगर आप चाहते हो कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कोई इंसान अपने फोन में चेक करे कि वो डेटा क्लोजली क्या है, तो सिंपली वो क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर सकता है अगर वो पर्सनली चेक करना चाहे तो। इसी के थ्रू आप एक बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हो जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि आपके पास जब क्यूआर कोड रहता है तो आप उसके थ्रू लोगों को बोल सकते हो कि यू कैन स्कैन एंड यू कैन लुक इनटू सम पर्टिकुलर थिंग्स जो आप बताना चाहते हो लोगों को कि लोग देखें। हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन में दूर तक लोगों को सब चीजें ना समझ में आ रही हो, बट क्यूआर कोड के थ्रू वो इजीली समझ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, एंड अगर आप ऐसे क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करोगे भी तो आपकी शीट्स में कुछ चीजें अलग दिखेगी बाकी लोगों से, विच वुड मेक यू डिफरेंट एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लोगों को क्यूरियस भी बना देगी कि ये कैसे बना दिया। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे क्यूआर कोड्स बनाते हैं, एंड अगर आप देख लोगे इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग नॉलेज वाइज एंड एट द सेम टाइम आपके काम के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम लोग अपने एक एक्सेल शीट पे आ गए हैं, इन अदर वर्ड्स एक गूगल शीट के पेज पे आ गए हैं, और इसी पर्टिकुलर एंटाइटल स्प्रेडशीट पे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे जिस फंक्शन को लेके मैं बात करने वाला हूँ उस फंक्शन का नाम है द इमेज फंक्शन, ठीक है? तो लेट मी जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेम जो है दैट इज नथिंग एल्स बट इमेज फंक्शन, ठीक है? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस पे क्या क्या होने वाला है दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, ठीक है? अब इमेज फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है? इफ यू राइट डाउन द इमेज फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज फंक्शन अपन लिख रहे हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे एक सजेशन आ जा रहा है, तो यू कैन सिंपली प्रेस टैब टू गेट दैट एक्टिवेटेड। तो अगर आप टैब प्रेस करते हो तो गूगल शीट्स आपको खुद से एक आइडिया देता है कि एग्जैक्टली कौन से इनपुट्स की जरूरत है इस पर्टिकुलर फंक्शन को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इफ यू लुक इनटू दिस, सबसे पहले एक यूआरएल की इंपॉर्टेंस है। तो इमेज फंक्शन बेसिकली करता क्या है, मान के चलो अगर आपके गूगल ड्राइव में कुछ इमेज सेव्ड है तो उस गूगल ड्राइव का एक यूआरएल होता है। अगर आप यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हो तो यू गेट द इमेज दैट्स देयर इन द गूगल ड्राइव। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट इज दैट द यूआरएल शुड गिव एन इमेज एज एन आंसर, ठीक है? नहीं तो एरर आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या-क्या पैरामीटर्स है और किस तरीके से इसका यूज होता है वो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इफ यू सी दिस वन, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, इफ यू प्रेस दिस वन तो एक एक्सपैंड डिटेल्स का ऑप्शन आता है जहां पे आपको आइडिया देती है गूगल शीट्स की एग्जैक्टली कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इमेज का यूआरएल है एंड फिर कुछ इनपुट्स है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज मोड, हाइट एंड विड्थ। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज जब भी आप देखोगे गूगल शीट्स के, अगर आप किसी भी फंक्शन में देखते हो कि कोई भी इनपुट्स पैरामीटर्स ऐसे ट्रिपल ब्रैकेट्स के अंदर रखा गया है यानी कि थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, तो ऑलवेज हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वो सारे चीजें इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ऑप्शनल है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में बस यूआरएल एंटर करके फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो ये प्रॉपरली चलेगी इवन विदाउट गिविंग एनी एंट्री फॉर मोड, हाइट और विथ। कूल? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना पड़ेगा। नाउ टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग आप लर्न मोर में जाके क्लिक कर सकते हो,
ठीक है, तो इफ यू क्लिक टू लर्न मोर, यू कैन सी कि गूगल शीट्स आपको एक दूसरे पेज पे डायरेक्ट कर देती है जहां पे आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है अबाउट दिस होल फंक्शन। तो यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर शीट में ऐसे इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है वो लिखा हुआ है। सो इट इंसर्ट्स एन इमेज इनटू अ सेल। अब यहाँ पे क्या है कि यूआरएल जो है, ठीक है, वो आप ड्राइव गूगल डॉट कॉम के अलावा भी बहुत सारी चीजों में कर सकते हो, ठीक है, और एसवीजी जो फाइल फॉर्मेट है उसको ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे चीज आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज है। तो हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे यूआरएल जो है वो यूआरएल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो हम लोग सर्च कर रहे हैं विराट कोहली विकिपीडिया, ठीक है। तो इफ यू गो टू विराट कोहली विकिपीडिया, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक इमेज मिल रही है, राइट। तो लेट अस चेक, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये इसका इमेज फॉर्मेट आ जाता है। तो यूआरएल जो है वो इस ऊपर में इस टैब में रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करोगे इट गेट्स सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली, तो ये आप कॉपी कर लो कंट्रोल प्लस सी दबा के, एंड देन यू गो टू द अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। यहाँ पे अगर आप यूआरएल को पेस्ट करोगे, ऑलवेज मेक श्योर कि ये डबल कोटेशंस के अंदर रहेंगे, तो यूआरएल को अगर आप पेस्ट कर दोगे एंड डबल कोटेशंस क्लोज कर दोगे, एंड देन इफ यू प्रेस एंटर, आपको यहाँ पे बहुत ही छोटे तरीके से वो पिक्चर दिखेगा। तो इफ आई एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर रो, यू कैन सी कि वो इमेज यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। सो वंस यू पेस्ट द यूआरएल, आपको एक कंप्लीट इमेज यहाँ पे मिल जाता है। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग समझेंगे कि इस यूआरएल के साथ भी बहुत सारे अलग पैरामीटर्स है, करेक्ट। तो व्हाट आर दे? सबसे पहला पैरामीटर ये है कि यूआरएल के बाद, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसके बाद अगर आप मोड में कुछ क्लिक करते हो तो मोड्स में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मोड इज एन ऑप्शनल थिंग। सो ये मोड बेसिकली उस सेल के अंदर, उस पर्टिकुलर गूगल शीट्स के सेल के अंदर किस तरीके से इसका रिसाइजिंग होगा उसका अंडरस्टैंडिंग देती है। तो अगर आप मोड में वन प्रेस करते हो तो इसका मतलब ये है कि रिसाइज दिस द इमेज टू फिट इनसाइड द सेल मेंटेनिंग द एस्पेक्ट रेशियो। मतलब कि इस पर्टिकुलर फोटो का जो रेशियो है एस्पेक्ट का, मतलब ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है, उसको सेम टू सेम रख के उस पर्टिकुलर सेल में ये एंटर करता है। तो लेट अस चेक, अगर आप इसी पर्टिकुलर इमेज के बाद, यूआरएल के बाद अगर कॉमा प्रेस करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे मोड वाला पार्ट बोल्ड हो जा रहा है, करेक्ट। तो मोड वाली पार्ट में अगर आप वन प्रेस करोगे एंड देन इफ यू प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हो कि एक सर्टेन जगह पे ये फोटो रख गई है। और अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच भी करते हो तो जो एस्पेक्ट रेशियो है वो एस्पेक्ट रेशियो एकदम बराबर रहता है। मतलब कि फोटो का जो ओवरऑल ब्रेथ और लेंथ का रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। अगर हम नेक्स्ट में चले जाए, अगर हम लोग टू प्रेस करेंगे तो इट स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस द इमेज टू फिट इनसाइड द सेल इग्नोरिंग द एस्पेक्ट रेशियो। तो अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे जाके वन के जगह अगर आप टू प्रेस करते हो एंड देन अगर आप इसमें एंटर करते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल जितने साइज का था उसी साइज में ये एग्जैक्टली फिट तरीके से अटक गया है। तो आप देख सकते हो कि इमेज फिट इनसाइड द सेल इग्नोरिंग द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द विथ एंड द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो, राइट, इसको अगर आप स्ट्रेच करते हो तो ये और स्ट्रेच हो जाएगा, अगर आप इसको नीचे से स्ट्रेच करते हो तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, बट दिस वुड रिमेन इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेल। कूल, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे थर्ड वाला, तो थ्री अगर आप एंटर करते हो तो इट लीव्स द इमेज एट ओरिजिनल साइज व्हिच मे कॉज क्रॉपिंग। मतलब कि अगर मान के चलो आप थ्री दबा देते हो यहाँ पे तो ये किसी भी तरीके से फिट नहीं होता है, इट विल जस्ट बी ऑन द ओरिजिनल साइज जैसे आपने यूआरएल में देखा था, राइट। तो अगर आप अलग दूसरा वाला टैब में चेक करोगे तो जिस साइज में था उसी साइज में यहाँ पे आ जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो जहां पे ये फिट नहीं होगा वो वाली पार्ट क्रॉप हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये हेड वाला पार्ट जो है, हेयर वाली एरिया, वो क्रॉप हो गई है। एंड अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे विच इज द फोर, इस मोड में क्या होता है कि आप एक कस्टम साइज डाल सकते हो उसमें, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फोर एंटर करते हो तो नेसेसरीली आपको हाइट और विथ एंटर करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी तक हाइट और विथ का कोई जरूरत नहीं था,
बट अगर आप यहाँ पे 4 एंटर करते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ हाइट और विथ बेन गिवन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एरर आता है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू द इमेज, मतलब कि 4 आर्ग्यूमेंट्स का एक्सपेक्टेशन था। तो अगर आप देखोगे तो 4 के साथ आपको क्या करने पड़ेंगे, हाइट जो कि आप कैसे भी दे सकते हो, मान के चलो मैं 200 दे देता हूं, और विथ जो कि आप पिक्सल्स में दे सकते हो दैट इज 200। तो अगर आप इसको एंटर करते हो तो आप देख सकते हो कि उसी हाइट और विथ में ये फोटो एक तरीके से सेट हो गई है। अगर आप चाहो तो इसमें एक अलाइनमेंट का भी चेंज कर सकते हो, तो मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द राइट अलाइनमेंट, टोटली डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया है कि इमेज का मेन ओरिजिनल फंक्शन क्या है। नाउ इट्स टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग किसी चीज का क्यूआर कोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग क्यूआर कोड निकालना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे लिंक्स होना चाहिए, करेक्ट, जिसका क्यूआर कोड निकलेगा, तो उसका भी एक यूआरएल की जरूरत है। तो हम लोग कोई भी एक वीडियो उठा सकते हैं यूट्यूब का, तो मान के चलो इफ वी गो टू अ वीडियो, एनी काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है, तो यू विल जस्ट राइट यूट्यूब, एंड यूट्यूब में जाने के बाद वी कैन सिंपली राइट क्लास डेस्क यूजी, राइट। तो ये एक चैनल है, तो इस पर्टिकुलर चैनल में जाके आप मान के चलो ये वाला वीडियो देखना चाहते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सिंपली इसका लिंक उठा लो, राइट। लिंक उठाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आके वो लिंक पेस्ट कर सकते हो। कूल, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट काइंड ऑफ वे थ्रू विच वी कैन मेक अ क्यूआर कोड आउट ऑफ दिस। तो इस पर्टिकुलर लिंक का एक क्यूआर कोड बनाना है हम लोगों को, जिसको अगर आप फोन में स्कैन करोगे तो डायरेक्टली उस लिंक पे आप डायरेक्ट हो जाओगे। ऑलराइट, तो ये चीज किस तरीके से पॉसिबल है वही चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इट विल हैपन विद द सेम फंक्शन दैट इज इमेज फंक्शन। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट में लेके जाऊंगा जो कि एक डेवलपर वेबसाइट है गूगल का, राइट। तो उस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो चीज इन्फॉर्म्ड है। तो इफ यू गो टू दैट वेबसाइट, उसका नाम है गूगल चार्ट्स इन्फोग्राफिक्स। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाओ आप और यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट चीज है https://developers.google.com, यहाँ पे जाओ आप। जाने के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि क्यूआर कोड्स किस तरीके से डिजाइंड है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट यू नीड नॉट नीड टू वरी अबाउट ऑल द थिंग्स। मैं आपको एक इजी टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले ये सिंटैक्स जहां पे लिखा हुआ है वहां पे चले जाइए, एंड देन यू विल फाइंड रूट यूआरएल ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है रूट यूआरएल। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को आपको यूज करना है, एंड यूज करने के बाद आपको कुछ कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे एंटर करना है। ऑलराइट, तो पैरामीटर्स अगर आपको एंटर करना है तो सबसे पहले ये एंटर करना है, ठीक है। एंड ये जब आप एंटर करोगे उसका मतलब गूगल शीट समझ जाएगा कि आप एक क्यूआर कोड चाहते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन फिक्स सम विथ एंड हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूआर कोड जो कि इमेज का साइज होगा, एंड उसके बाद आपको वो यूआरएल एंटर करना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप ये चीज पूरा अभी के अभी ट्राई कर सकते हो। तो लेट अस जस्ट मूव ऑन डायरेक्टली टू द गूगल शीट्स इन ऑर्डर टू ट्राई दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इमेज फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इमेज फंक्शन का यूज होगा। तो इमेज फंक्शन लगा दी है अपन, विल प्रेस टैब एंड इट विल गेट एक्टिवेटेड। उसके बाद अपन यूआरएल जैसे कि डबल कोटेशंस के अंदर लगाते हैं, वी वुड डू द सेम। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले इसमें आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग थे, राइट। तो यहां से हम लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, कंट्रोल सी कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आप इस चीज को यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या क्या एंटर करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज है कि ये चीज एंटर करना पड़ेगा। नाउ जब भी आप एक्सेल में एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट एंटर करते हो, यू डू इट विद द आर्ग्यूमेंट एंड, करेक्ट। तो एंड करके आपको वो चीज एंटर करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला एंड लगाएंगे फॉर द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, हमारे पास ये है, तो इसको अपन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली उस चीज को पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे क्योंकि हाइट और विथ का एक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग हाइट और विथ पर्सनली
इंक्लूड कर देंगे। तो इसको अपन 200 रख लेते हैं एंड हाइट को भी अपन मान के चलो 200 रख लेते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग एंड पुट करेंगे फॉर द लास्ट आर्ग्यूमेंट विच इज दिस सिंटैक्स CHL इक्वल्स टू डेटा। तो इसको अपन ऐसे कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहां पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। नाउ यहां पे डेटा बेसिकली क्या है, यहां पे हमारे लिए डेटा है ये पर्टिकुलर URL जिसका हम लोग बनाने वाले हैं QR कोड, ठीक है। तो इसके जगह अपन क्या करेंगे, जस्ट टू मेक इट इजियर हम लोग यहां पे कोटेशंस को बंद करेंगे, हम लोग एक एंड लगाएंगे एंड इस पर्टिकुलर जो सेल नंबर है वो सेल नंबर यहां पे लगा देंगे, ठीक है। दिस इज अ वे थ्रू विच वी कनेक्ट अ सेल नंबर विथ द होल URL, ठीक है। तो URL के साथ अगर हम लोग सेल नंबर लगा देंगे, लगाने के बाद हम लोग सिंपली इसको एंटर दबा देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एक कुछ साइन आया है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्ट्रेच दिस आउट, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक QR कोड आ गया है। इफ यू पॉज दिस वीडियो एंड इफ यू स्कैन योर फोन ओवर दिस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपना स्कैन करोगे तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है YouTube का वहां पे डायरेक्टली आप डायरेक्ट हो जाओगे। सो दैट इज हाउ यू जनरली बिल्ड अ QR कोड। जस्ट टू रिवाइज ऑन द लास्ट पार्ट, थोड़ा सा एक्सेल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो सेल नंबर है दैट इज D15 उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं चाहता तो इस पर्टिकुलर लिंक को भी यहाँ पे टाइप कर सकता था, बट द थिंग इज जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लिंक लिखी हुई है। तो अपन यहाँ पे क्या किए कि पूरा चीज को लिखे CHL इक्वल्स टू डेटा के जगह हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रेफरेंस आईडी को लगा दिया। डेटा मतलब वो URL जिसका आप QR कोड बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये टोटल सिंटैक्स है जो आपको इमेज के अंदर ही लगाना होता है इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर QR कोड। तो ऐसे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, मान के चलो अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे इस पर्टिकुलर QR कोड का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। एंड दिस लुक्स रियली रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि आप खुद से QR कोड्स बना सकते हो एक्सेल में थ्रू दिस। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड नॉलेजेबल भी लगा होगा। श्योरली इस चीज को कभी ना कभी इस्तेमाल करना, अगर आप कॉलेज में हो किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट में काम करते हो देन ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रेजेंट सम सर्टन डेटा आप इस पर्टिकुलर आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।